मोदी सरकार का बड़ा फैसला, यूट्यूब के टक्कर में आ रहा है नया वीडियो पोर्टल। सरकार की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। समय समय पर सरकार कई नई वेबसाइट और पोर्टल ला रही है। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ऐसा ही फैसला किया गया है। अब मंत्रालय की तरफ से इस हफ्ते 4 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए जाएंगे। इस पर सरकार की तरफ से तैयार होने वाली वीडियो और जानकारी साझा की जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब सरकार की तरफ से ऐसा स्टेप लिया गया है। साइबर क्राइम रोकने को लेकर जानकारी साझा करने तक लगातार भारत सरकार की तरफ से नए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अब एक और कदम उठाया जा रहा है। इससे जनता को भी सरकार की पॉलिसी को साफ तौर पर समझने में आसानी होगी। देखा जाए तो इस पोर्टल पर एक प्रकार से यूट्यूब की तरह ही वीडियो अपलोड की जाएगी और कोई भी यूजर जाकर देख सकता है। एक प्रकार से सरकार का ये ऑनलाइन ही अखबार होगा। इसके अलावा ये एक ऐसा पोर्टल होगा जहां सरकार की तरफ से सभी विज्ञापन स्वीकार किए जाएंगे और एक ही जगह पर सभी जानकारी मिल जाएगी। इसकी लॉन्च को लेकर काफी जानकारी सामने आ चुकी है। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से बस इसे लाइव किया जाएगा, यानी इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत पर आपको सभी प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी। पहले ही बता दें कि यहां पर सरकार की तरफ से क्रिएट होने वाली वीडियो को लाइव किया जाएगा। ऐसे में सरकार का ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। अभी इस पर करीब 2500 वीडियो हैं जो सरकार की तरफ से जानकारी देने के उद्देश्य से क्रिएट किए गए हैं। यहां पर आपको सभी जानकारी मिल जाती है।